कटिहार स्टेशन के पास तेल टैंकर से भरी मालगाड़ी पर चढ़ा लड़का 33,000 वोल्टेज की चपेट में आ गया, जिस वजह से करंट की चपेट में आने से झुलसकर मौत हो गई। दरअसल कटिहार नगर थाना क्षेत्र के रामपाड़ा का रहने वाला है और खेल खेल में मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया था, जहां टैंकर के ऊपर से गुजर रहे 33,000 वोल्टेज के तारों को छू लिया और देखते ही देखते बच्चे का शरीर आग से जलकर खाक हो गया। क्या कौन लगते हैं आपके? मेरा दोस्त लगे। दोस्त घर कहाँ पे है उनका? रामपाड़ा में। और यहाँ कैसे पहुँच गए? अरे कवारी चुनने का काम करते थे क्या? नहीं, वो सलाई का खोलने होता है। हाँ हाँ, क्या होता है? मुझे नहीं मालूम, अभी तो हम स्कूल से भागते हुए आए। अच्छा, ये घर कहाँ बताए इनका? क्या नाम है उस बच्चे का? वो जो है चढ़ गया ऊपर में चढ़ा, उसके बाद जो अपना हाई टेंशन तार जो है उसके चपेट में आ गया। हाई वोल्टेज वाला तार है, उसी के चपेट में आ गया। उसके बाद अभी उसको अप्लाई किया गया है, उतारा गया है, उसके बाद अप्लाई किया गया है और उसको उतार करके रखा गया है, अभी तक पहचान नहीं हो पाई। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को नीचे उतार लिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से रितेश और रजनीश की रिपोर्ट।